कि आप देखिए कि किसान हैं, किसान अपनी जमीन पे खेती करते हैं, आज उनको अपनी ही जमीन पे खेती करने से ना सिर्फ दूर किया जा रहा है, बल्कि उनके फसल को जो दाम तय किया जाता था उसको समाप्त की गई है इनडायरेक्टली। और जब किसान पहले से ही अपने फसल का दाम नहीं तय कर पा रहे हैं, और जिसके चलते आप जानते हैं कि देश में बड़े पैमाने पे फार्मर सुसाइड होता है, और आज नए बिल के द्वारा उनके खेतों को बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, जो हमारे सरकार के दोस्त हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, उनकी जमीन उनसे छीनने के लिए, मजबूर किसान को उनके ही खेत पे मजदूर बनाने के लिए एक साजिश रची गई है, तो उसके खिलाफ किसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो डिसेंट कर रहे हैं। देखिए डिसेंट को कैसे क्रिमिनलाइज किया जाता है, कि जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उनको खालिस्तानी कहा जा रहा है, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर कहा जा रहा है, उनको देशद्रोही कहा जा रहा है। जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जिनके पास पावर है, वो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो कम संख्या में हैं, जो एस्टेब्लिश फैक्ट के खिलाफ हैं, जिनको लगता है कि एस्टेब्लिश फैक्ट सही नहीं है, उनके खिलाफ तरह तरह का प्रोपगेंडा किया जाता है। यहाँ आपको प्रोपगेंडा के रोल को समझना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, पॉलिटिक्स के भीतर परसेप्शन और प्रोपगेंडा के रोल को बढ़ा दिया है। जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि देश चलाने के लिए 56 इंच का सीना होना चाहिए, बताइए देश चलाने के लिए सीना से क्या लेना देना है? देश चलाने के लिए सीना की तो जरूरत है नहीं, देश चलाने के लिए सोच की जरूरत है, जे देश चलाने के लिए विचार की जरूरत है, देश चलाने के लिए कमिटमेंट की जरूरत है, देश चलाने के लिए वो लव आपके अंदर होना चाहिए, जो लव किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करता हो। कि लोग डिसेंट करते हैं, लेकिन जब वो डिसेंट करते हैं तो उसका क्या नतीजा होता है? आपको मैं फिर वही एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि जब भी कोई इंसान, कोई कम्युनिटी, कोई सोसाइटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन और कोई ऐसा समूह जो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट को कंटेस्ट करता है, उसको काउंटर करता है, तो उसको सोसाइटी के भीतर एक अपोजिशन झेलना पड़ता है। हालांकि अगर वह फैक्ट जो वह काउंटर कर रहा है वो फैक्ट गलत है, और उसके काउंटर में जो वो सही फैक्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है वो फैक्ट सही है, तो धीरे धीरे सोसाइटी उस फैक्ट को मानने लगती है, और जो फैक्ट बोलने के चलते जो इनिशियल टाइम के डिसेंडर्स रहे हैं उनको कंसिक्वेंसेस झेलना पड़ता है, वही लोग बाद में सेलिब्रेट किए जाते हैं। अब जब आप इस तरह के प्रोसेस को, इस सोशल पॉलिटिकल प्रोसेस को आप पूरी दुनिया में देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भारत में भगत सिंह को भी एक जमाने में आतंकवादी कहा गया था। भारत के भीतर फ्रीडम्स मूवमेंट को लड़ने वाले जो फ्रीडम फाइटर थे उनको भी बागी कहा जाता था, उनको भी देश विरोधी कहा जाता था। आप देखेंगे कि हिस्ट्री में, लिटरेचर में जिन लोगों ने भी सच बोला है उनको शुरुआती दिनों में बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा है। आप किसी भी चीज को इसके संबंध से, इससे जोड़ करके देख सकते हैं। जैसे जब जब यीशु ने बोला कि आप लोग जो कर रहे हैं ये गलत हैं, तो देखिए कि उनके साथ क्या बर्ताव किया गया। आप देखें कि जब बुद्ध ने बोला तो उनके साथ क्या बर्ताव किया गया। तो ये जो डिसेंट है वो डिसेंट किसी भी सोसाइटी के प्रोग्रेस से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। और जब हम 21st सेंचुरी सोसाइटी को एनालाइज करते हैं, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी को एनालाइज करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी बिना डिसेंट के आगे नहीं बढ़ सकती है। और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल हैं इंडिया में, रिपब्लिक के जो प्रिंसिपल हैं इंडिया में, उसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हमको डिसेंट करना पड़ेगा। और आज जब हम अपने देश की स्थिति को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं? हम ये पाते हैं कि जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, चाहे वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो सोशल एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट हो,
उस एस्टेब्लिशमेंट के हाँ में हाँ यदि आप मिलाते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, अगर आप उसके किसी भी बात को काउंटर करते हैं जो बात डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो, जो बात इक्वालिटी के अगेंस्ट हो, जो बात जस्टिस के अगेंस्ट हो, जो बात हमारी सोवर्निटी के अगेंस्ट हो, हमारी डायवर्सिटी के अगेंस्ट हो, उसको बोलने के चलते उसको क्रिमिनलाइज किया जाता है, ऐसे इंसानों का विच हंटिंग किया जाता है। और आप इसी कड़ी में देखेंगे कि भारत में जब नई सरकार 2014 में चुन करके आई तो यह सरकार जो बनी है इसके अगर आप आइडियोलॉजी को देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि किसी भी समाज में कई तरह के लोग होते हैं, लोग पीपल वर्ड अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, उसको जब आप डीकंस्ट्रक्ट करेंगे तो भारत में आप देखते हैं कि तमाम तरीके की जातियां हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, यहाँ पे ओबीसी हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, काले हैं, गोरे हैं, पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, जंगलों में रहने वाले लोग हैं, मैदानों में रहने वाले लोग हैं, समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं, गांव में लोग रहते हैं, शहर में लोग रहते हैं। तो आप देखेंगे कि ये लोग वर्ड जो है वो अपने आप में बहुत डाइवर्स है, और इसका अगर हम इसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में समझेंगे तो हमको कई बार कई सारी चीजों को लेकर के परेशानी होगी। हमको ये समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी जब मेजोरिटी का रूल नहीं है, जहां माइनॉरिटी के राइट को भी प्रोटेक्ट करना है, मार्जिनलाइज के राइट को भी प्रोटेक्ट करना है, उनके लिए भी जस्टिस और इक्वलिटी को इंश्योर करना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यह जो डाइवर्सिटी है इसकी यूनिटी को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और मैं यहाँ एक बात मेंशन करना चाहता हूँ कि आज 21वीं सदी में जब हम टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांस वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो हमको कुछ और चीजों को इसमें शामिल करना चाहिए। जैसे आप खान पान की ही बात को ले लीजिए, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, आजकल तो लोग वेगन भी होने लगे हैं जो दूध दही नहीं खाते हैं। तो खान पान के आधार पर एक डिफरेंसेज है, ट्रेडिशन के आधार पर एक डिफरेंसेज है। अगर आप डिजिटल सोसाइटी की बात करेंगे तो डिजिटल डिवाइड के आधार पर भी फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड, एक ही देश में तीन तरह के लोग जो है आपको रहने वाले मिलेंगे। जहां इतना डाइवर्सिटी है वहां पर सिर्फ यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं बल्कि डाइवर्सिटी एंड यूनिटी की बात को भी हम लोगों को करना चाहिए। और ये डाइवर्सिटी इन यूनिटी कहने का मतलब ये है कि बात धीरे धीरे अब वहां पहुंच गई है कि कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो ह्यूमैनिटी वर्सेज इकोलॉजी तो है ही, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राडिक्शन सोसाइटी में इमर्ज किया है वो है इंडिविजुअल वर्सेज कलेक्टिव। अब आप देखेंगे कि आज जो स्टेट का नेचर होता जा रहा है उसमें स्टेट ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, रूलिंग क्लास, रूलिंग पार्टी, रूलिंग आइडियोलॉजी, वो समाज में ये फैक्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि वो जो कह रहे हैं वही कानून है, वही देश है, और उन्हीं के अनुसार यह देश चलेगा। मैं समझता हूं कि प्रिंसिपली ये ना सिर्फ भारत के संविधान के विरुद्ध है बल्कि भारत की जो संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, उसके भी अगेंस्ट है। क्योंकि जब आप इंडियन सोसाइटी को देखेंगे जहां इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है वहां पर यह जो वनमैनशिप है, यह वनमैनशिप इंडिया के ट्रेडिशन के अगेंस्ट है, इंडिया के सोसाइटी के अगेंस्ट है, इंडिया के कल्चर के अगेंस्ट है, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, इंडिया के रिपब्लिक के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उसके अगेंस्ट है। इसीलिए यह जो एक नई परिस्थिति पैदा हुई है उसमें हम लोगों को यह समझना चाहिए कि इंडिविजुअल अपना राइट स्टेट के सामने सरेंडर करता है, स्टेट इंडिविजुअल को कोई राइट प्रोवाइड नहीं करता है। जो लोग भी आज डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब रूल ऑफ मेजोरिटी नहीं होता है बल्कि डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर होता है, जो सिस्टम होता है, उसमें माइनॉरिटी के राइट को भी, मार्जिनलाइज के राइट को भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, जो लोग कहते हैं कि एस्टेब्लिश फैक्ट जो होता है वो हमेशा सही नहीं होता है, हमेशा जो पॉपुलर कॉन्साइंस होता है वो सही नहीं होता है,
इसको जो बोलने वाले लोग हैं आज उनको तरह तरह का कंसिक्वेंसेस फेस करना पड़ रहा है। और उसमें आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जब हम 21वीं सदी में हैं तो हमको यह बात समझना पड़ेगा कि सोसाइटी में जो रूलिंग क्लास है, जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग आइडियोलॉजी है, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जिनके पास पावर है, वो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो कम संख्या में हैं, जो एस्टेब्लिश फैक्ट के खिलाफ हैं, जिनको लगता है कि एस्टेब्लिश फैक्ट सही नहीं है, उनके खिलाफ तरह तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है। यहां आपको प्रोपेगेंडा के रोल को समझना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, पॉलिटिक्स के भीतर परसेप्शन और प्रोपेगेंडा के रोल को बढ़ा दिया है। पॉलिटिक्स के भीतर आज हम ये देख रहे हैं कि फैक्ट को परसेप्शन सुपरसीड करने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए आपको बोलता हूं, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि देश चलाने के लिए 56 इंच का सीना होना चाहिए, बताइए देश चलाने के लिए सीना से क्या लेना देना है? देश चलाने के लिए सीना की तो जरूरत है नहीं, देश चलाने के लिए सोच की जरूरत है, जे देश चलाने के लिए विचार की जरूरत है, देश चलाने के लिए कमिटमेंट की जरूरत है, देश चलाने के लिए वो लव आपके अंदर होना चाहिए जो लव किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करता हो। जो प्यार है वो प्यार लोगों का आइडेंटिटी देख करके नहीं पनपता हो, बल्कि हम ह्यूमन बीइंग हैं और पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी से, और सिर्फ ह्यूमैनिटी से नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि आज के जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसको हमको समझना पड़ेगा कि हमको नेचर से भी प्यार करना पड़ेगा, हमको इकोलॉजी से भी प्यार करनी पड़ेगी। अगर हम नेचर से प्यार नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली उससे ह्यूमैनिटी ही खतरे में आएगी। एक बात मुझे बताइए, अक्सर लोग ये बात बोलते हैं कि पर्यावरण खतरे में है, पर्यावरण तो खतरे में है आप बोलते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि पर्यावरण खतरे में, सच्चाई ये है कि अगर आप पर्यावरण को खतरे में डालेंगे तो ह्यूमैनिटी खतरे में आ जाएगा। मुझे बताइए कि जब परिवर्तन हुआ, जब क्लाइमेट चेंज हुआ, तो ब्रह्मांड खत्म हुआ, यूनिवर्स खत्म हुआ, या डायनासोर खत्म हो गए? तो डायनासोर खतरे में था ना, पर्यावरण खतरे में नहीं था। डायनासोर ने अपने आप को इकोलॉजी के हिसाब से इक्विप नहीं किया तो डायनासोर खत्म हो गया। पर्यावरण की रक्षा करना एक्चुअली अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने वाली बात है। तो हमको अपने सारे सवालों में इन तमाम चीजों को शामिल करना पड़ेगा, हमको नेचर को शामिल करना पड़ेगा, हमको माइनॉरिटी को शामिल करना पड़ेगा, हमको जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उसको शामिल करना पड़ेगा, चाहे वो जेंडर के आधार पे हो, कास्ट के आधार पे हो, या किसी भी आइडेंटिटी के आधार पे हो। और इनको जब हम ऑर्गेनिकली इनकी यूनिटी को एस्टेब्लिश करेंगे तभी हम डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, तभी हम यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे और डाइवर्सिटी ऑफ यूनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। ये टू वे प्रोसेस है और ये प्रोटेक्ट करने से देश मजबूत होता है। देश सिर्फ और सिर्फ एड फिल्म बनाने से मजबूत नहीं होता है। जो हमारा टीवी चैनल है, मैं उस पर आना चाहता हूं, प्रोपेगेंडा और टेक्नोलॉजी का मिसयूज, जिसके द्वारा आज डिसेंट को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, व्हाट्सएप और आपको जो नकली वीडियो बनाए जाते हैं, जो डॉक्टर्ड वीडियो बनाए जाते हैं, जिस तरीके से किसी भी इंसान के किसी स्पीच का एक हिस्सा निकाल करके, उसका एक हिस्सा काट करके लोगों के बीच में जो एक झूठ फैलाई जाती है, उस पक्ष पर भी मैं आना चाहता हूं। और हम आपसे ये साझा करना चाहते हैं कि आज हमारे सामने चैलेंज कितना बड़ा है। चैलेंज हमारे सामने पहले ये था कि यह जो सोसाइटी में इतनी डाइवर्सिटी है, इसकी यूनिटी को कैसे प्रोटेक्ट करें, लेकिन यह जो नया टेक्नोलॉजी आया है, जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समाज कल्याण के लिए होना चाहिए, सोशल वेलफेयर के लिए होना चाहिए, ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए होना चाहिए, इक्वालिटी और जस्टिस को इंश्योर करने के लिए होना चाहिए, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए होना चाहिए, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरीके से समाज को बांटने के लिए किया जा रहा है। और जो गलत एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, उस गलत एस्टेब्लिश्ड फैक्ट को समाज में बनाए रखने के लिए, सच्चाई को काउंटर करने के लिए, सच्चाई को कमजोर करने के लिए किस तरीके से प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जा रहा है, दो तीन उदाहरण दे करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। सबसे पहले तो आप सब लोगों ने यह सुना होगा कि मीडिया जो है
वो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है। लेकिन आज जब आप मीडिया के एक बड़े हिस्से को देखेंगे तो वो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, वो डेमोक्रेसी को वीक कर रहा है। और जब मीडिया डिसेंट के खिलाफ हो जाए, जब मीडिया डेमोक्रेसी के खिलाफ हो जाए, तो ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। और हम देख रहे हैं कि समाज में आज जो रूलिंग आइडियोलॉजी है, रूलिंग पार्टी है, जो लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं, जो पावर में है, वो किस तरीके से प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो प्रोपेगेंडा उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे किसी जमाने में किसी भी सच्चाई के खिलाफ बोलने वाला कोई और ऑर्थोडॉक्स एस्टेब्लिशमेंट किया करता था। जैसे मैं आपको उदाहरण देने की कोशिश करता हूं कि ब्रिटिश रूल था यहाँ पे, भारत जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, और यहाँ पे भारत में जो रहने वाले लोग हैं उन्हीं को उनके ही लैंड पे सेकेंड क्लास सिटीजन बना दिया गया था। और ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप 21st सेंचुरी में भी भारत के भीतर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप देखिए कि किसान है, किसान अपनी जमीन पे खेती करते हैं, आज उनको अपनी ही जमीन पे खेती करने से न सिर्फ दूर किया जा रहा है बल्कि उनके फसल को जो दाम तय किया जाता था उसको समाप्त की गई है इनडायरेक्टली। और जब किसान पहले से ही अपने फसल का दाम नहीं तय कर पा रहे हैं, और जिसके चलते आप जानते हैं कि देश में बड़े पैमाने पे फार्मर सुसाइड होता है, और आज नए बिल के द्वारा उनके खेतों को बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, जो हमारे सरकार के दोस्त हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, उनकी जमीन उनसे छीनने के लिए, मजबूर किसान को उनके ही खेत पे मजदूर बनाने के लिए एक साजिश रची गई है, तो उसके खिलाफ किसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो डिसेंट कर रहे हैं। देखिए डिसेंट को कैसे क्रिमिनलाइज किया जाता है कि जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उनको खालिस्तानी कहा जा रहा है, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर कहा जा रहा है, उनको देशद्रोही कहा जा रहा है। फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूं कि मान लीजिए कि कोई फॉरेस्ट का एरिया है, वहां पे कोई आदिवासी गांव है, उनका जो है अपना एक ट्रेडिशन है, अपना एक कल्चर है, अपने तरीके से वो अपने जीवन में जीना चाहते हैं। लेकिन अगर वहां पे कोई बहुमूल्य चीज मिल जाए जिसको उनके पूर्वजों ने हजारों साल से प्रोटेक्ट किया है, उसमें जो प्रॉफिट कमाने वाले लोग हैं, तो वो वहां जाते हैं और वहां हजारों साल से रहने वाले लोगों को हटा करके अपना जो है एस्टेब्लिशमेंट उसको एस्टेब्लिश कर देते हैं। और उसके खिलाफ अगर कोई बात करता है तो उसको डेवलपमेंट विरोधी कहा जाता है, उसको देश विरोधी कहा जाता है, उसको नक्सली कहा जाता है। फिर तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए कि कोई यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ मैनेजमेंट से तो नहीं बनता है, यूनिवर्सिटी में टीचिंग स्टाफ होते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, बिल्डिंग्स होती है, स्टूडेंट होते हैं, ये सबसे यूनिवर्सिटी बनती है। लेकिन अगर आप इसके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को देखेंगे तो यूनिवर्सिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन होता है? यूनिवर्सिटी का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट स्टूडेंट होता है। तो स्टूडेंट जो वहां पढ़ने वाले लोग हैं, जो वहां पढ़ते हैं, अगर वो अपने राइट्स के लिए अगर कुछ बात करना शुरू कर दें तो उनको जो है अनसोशल एलिमेंट कहना शुरू कर देंगे। आप सोसाइटी के किसी भी सेगमेंट में जाकर के इस बात को देख सकते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट होता है उस एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा एक गलत फैक्ट को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है। और अगर आप उस गलत फैक्ट के एस्टेब्लिशमेंट को विरोध करेंगे, आप डिसेंट करेंगे, तो आपको क्रिमिनलाइज किया जाता है। और एक मेजोरिटी सोसाइटी के भीतर रहने वाले जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके बीच में प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके, डॉक्टर्ड वीडियो का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का मिसयूज करके उनके बारे में गलत बात बोली जाती है। आज हम अपने देश में देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो फैक्ट बोलने वाले लोग हैं, जो ट्रुथ का साथ देने वाले लोग हैं, जो जस्टिस और इक्वालिटी का साथ देने वाले लोग हैं, जो देश होने का, कंट्री होने का एक्चुअल मीनिंग समझते हैं, जो समझते हैं कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है किसी भी डिसएग्रीमेंट का रेस्पेक्ट हो। जहां डिसएग्रीमेंट को डिसरेस्पेक्ट किया जाने लगता है वहां पर कोई डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कभी भी स्ट्रेंथन नहीं हो सकती है। अगर
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को हमको स्ट्रेंथन करना है तो हमको डिसेंट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, हमको जो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है उसको डाउट करने का राइट होना चाहिए, हमको सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए, और हमारे सवालों का जवाब अगर एस्टेब्लिशमेंट नहीं दे पा रहा है तो उसको अपने स्थापित किए गए फैक्ट को बदलना चाहिए। और ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, ये सारी चीजें समाज में होते आया है, और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो इंसान जो है वो चांद पे नहीं गया होता, क्योंकि हम तो ये समझते थे कि चंदा मामा भगवान है, अगर चंदा मामा भगवान है तो फिर तो चांद पे कभी हम लोग जाते ही नहीं। अगर हम ये समझते कि पृथ्वी चपटी है और अगर हम समुद्र की यात्रा करेंगे तो गिर जाएंगे, डूब जाएंगे, तो कभी भी कोलंबस जो है वो अमेरिका नहीं खोज पाता, वास्को डी गामा भारत नहीं पहुंच पाता, और रेल नहीं आता, कारखाने नहीं आते, डाकघर नहीं आता। अगर हम लोग यह सोच पाते कि हम जो बोलते हैं और जो आपका कान सुनता है इसके अलावा और कोई मीडियम नहीं है इस आवाज को दूर तक पहुंचाने का, तो आज हम लोग जूम मीटिंग पे बैठ करके मीटिंग नहीं कर रहे होते, मोबाइल नहीं आता, टीवी नहीं आता। तो आप देखेंगे कि डिसेंट जो है वो सिर्फ डेमोक्रेसी को ही प्रोटेक्ट नहीं करता है बल्कि समाज के एवोल्यूशन में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए हमेशा हम लोगों को जब हम कहते हैं कि वी आर मॉडर्न पीपल तो हमको डिसेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हो सकता है कि मैंने जितनी बातें कही हैं उसमें से आप बहुत सारे लोग जो हैं डिसएग्री करते हों, लेकिन अगर मैं डेमोक्रेटिक पर्सन हूं तो मेरी ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपसे डिसएग्री होते हुए भी एग्री टू डिसएग्री का जो प्रिंसिपल है उसको मैं प्रोटेक्ट करूं और आपके साथ खड़ा हूं। और सॉलिडरिटी में मैं ये बात कहना चाहता हूं कि बड़े पैमाने पे आज के समाज में जो बुराइयां हैं, जो गलत चीजें हो रही हैं, उसका जो विरोध करने वाले लोग हैं, चाहे वो कवि हो, एकेडमिशियन हो, चाहे प्रिस्ट हो, प्रोफेसर हो, कलाकार हो, आर्टिस्ट हो, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, उन तमाम लोगों को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर लोगों को पॉलिटिकल प्रिजनर बना करके उनको जेलों में डाला गया है। आप सोच सकते हैं कि यह स्टेट कितना डरा हुआ है, क्योंकि इस स्टेट के पास सच की मोरालिटी नहीं है। अगर इस स्टेट के पास सच की मोरालिटी होती, इस रूलिंग क्लास के पास अगर सच की मोरालिटी होती, तो ये एक झूठे फैक्ट के चलते प्रोपेगेंडा का आधार बना करके, झूठ का आधार बना करके सच को ये काउंटर करने की कोशिश नहीं करते। और आप सोच करके देखिए कि 80 साल, 82 साल, 83 साल एक बुजुर्ग इंसान से स्टेट को क्या खतरा हो सकता है। असल यह सरकार घबराती है सच से। इसीलिए मैं अपने सारे यूथ दोस्तों से यह कहना चाहता हूं कि हम तमाम लोग अलग अलग आइडेंटिटी के लोग हैं, हो सकता है कि हमारी मान्यताएं भी अलग अलग हो, लेकिन एक बात पे हम तमाम लोगों को एग्री करना चाहिए कि देश जब देश के लोगों से बनता है तो सभी लोगों की भावनाओं का हम सम्मान करें, उनके अधिकार के लिए खड़े हों, न्याय और बराबरी के लिए खड़े हों। और यह जो अन्याय आज हमारे समाज में हो रहा है कि सच बोलने वाले जो लोग हैं, जो डेमोक्रेटिक राइट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसेंट का होना, वो जो डिसेंट करने वाले लोग हैं उनके साथ हमको अपनी सॉलिडेरिटी व्यक्त करनी चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए, ये सोच करके कि कल अगर हमारे एंसेस्टर्स सच के लिए नहीं लड़े होते तो नील आर्मस्ट्रांग जो है वो चांद पे नहीं गया होता। कल के अगर हमारे एंसेस्टर्स तमाम तरीके के जो रूलिंग क्लास के एस्टेब्लिश्ड फैक्ट थे उसको काउंटर नहीं किए होते तो सच्चाई हमारे सामने नहीं आ पाती। जो समाज के अंदर ऊंच नीच है उस ऊंच नीच के खिलाफ हम लोग डिसेंट नहीं कर पाते। तो डिसेंट को ना सिर्फ हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए बल्कि डिसेंट करने वाले जो लोग हैं उनके साथ हमको सॉलिडेरिटी व्यक्त करनी चाहिए और हमको भी डिसेंट करना चाहिए न्याय के लिए, बराबरी के लिए, जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, और एक सुंदर देश बनाने के लिए, एक सुंदर दुनिया बनाने के लिए। ह्यूमन बीइंग
कि जो ह्यूमैनिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और ह्यूमैनिटी को यदि प्रोटेक्ट करना है तो हमको नेचर को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि किसी भी इंसान के साथ अगर डिसेंट करने के चलते कोई क्रिमिनलाइजेशन होता है, कोई जो है विचेंटिंग होती है, इसका हमको विरोध करना चाहिए, ये सोच करके कि कोई किसी ने हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ी है, हम उनके साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं और सोसाइटी में इक्वालिटी और जस्टिस को प्रोटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।